तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए कुर्ला सीएसटी। ये नया ब्रिज का लगता काम चालू था, तो ये काम चालू मतलब ब्रिज चालू हो चुका है। और हम लोग को सामने जाने का, तो अभी वहाँ पर डिवाइडर है, वो डिवाइडर से क्रॉस करूँगा। और मेरा भाई इंट्रोड्यूस माय खाला का लड़का आकिब शेख। चलो बाबा चालू रखो तुम, बस चालू रखो तुम, बैठ गया पीछे, चालू रखना चालू। ट्रैफिक रे बहुत चिल्ला भाई, ये क्या सिग्नल बुलाऊंगा ना। फ्रेंड्स ये है मार्केट, बाइक वाले मार्केट में जाने वाले हम लोग। तो आप अंदर डालूंगा, मैं गली के अंदर गाड़ी डालूंगा, तो आप लोग को दिखाता हूँ गली। अभी तो अंदर जाएंगे ना, हाँ ये यहाँ से ना। हाँ ये बाइक की गली आ गई है हमारी। फ्रेंड जैसे आप लोग गली के अंदर एंटर करोगे बाइक की गली के अंदर, तो राइट साइड में आपको पहले ही रॉयल एनफील्ड का टोटल सामान मिलता है, मतलब जो सेकेंड हैंड में जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए एसेसरीज तो अंदर भी मिल जाती है। और भाई यहाँ पर तो हर एक गाड़ी का सामान मिलता है भाई, जो चाहे वो गाड़ी का सामान आप खरीद सकते हो यहाँ पे। पल्सर के लिए भी अच्छा कोई आइटम देखना पड़ेगा। देखिए गार्ड को बोल रहा था, देख गार्ड लगे हुए, देखिए काले काले एक्सेस के लिए भी होंगे शायद। चालू है ना, अंदर से ग्राउंड मार लेते फिर अपना काम करना। अरे अपनी ससुरों के लिए मडगार देखना पड़ेगा, मिल जाएंगे। अच्छा याद आया, याद कर ले और क्या क्या चाहिए तेरे को। ढूंढ रहे हम लोग, व्हाइट है। कुर्ला के मार्केट में आप लोग को दोस्तों सब कुछ मिलेगा, जो गाड़ी का सामान चाहिए नहीं रहेगा आपको अरेंज करके देंगे। लेकिन एक ही मसला है कि आपको ना भाई ढूंढना बहुत पड़ेगा। यहाँ पर आओ, इत्मीनान से आओ, एक एक चीज़ ढूंढो, हर एक चीज़ ढूंढो बिंदास और लो, अच्छी चीज़ रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नल्ला आइटम रहता, सब ओरिजिनल चीज़ ही रहती है लोग के पास। यहाँ पे हेडलाइट्स है, ये थार के हेडलाइट्स है, बुलेट के हेडलाइट्स है, सब कुछ अवेलेबल मिलता है कुर्ला में। ये सब ब्रांड नेम के किचन आपको दिखाता हूँ मैं, और ये सब ब्रांड नेम के किचन आप है ना कोई शॉप से लेने जाओगे ना अच्छी, तो 400-500 में ऐसा देते, ऑनलाइन में भी महंगा है।
यहाँ पे ओनली 100 रुपीज़ में आपको जो भी किचन लेना है, लंबा लेना है या छोटा वाला लेना है, आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। पल्सर का देखो क्या प्राइस है टैंक बेड की? टैंक हो गया मतलब बंद हो गया। यहाँ पर एक शॉप पे मीटर मिल रहा है लेकिन वो पुराना मीटर मांग रहा है और नया मीटर दे रहा, मतलब नया तो नहीं है, सेकेंड हैंड है, वो 1500 रुपया बोल रहा है, 1500-1700 ऐसे ही कुछ बोल रहा था। अगर वो मीटर वो नहीं देता तो मैं ले लेता था। टैंक पेड इधर भी है देख। हॉर्न देखने का है ना, हॉर्न देखो। भाई ये सेजवान चटनी है क्या? फ्रेंड्स हम लोग का खाना हो चुका है। यहाँ पर हम लोग ने कुरला में सहारा होटल में खाना खाए थे। माशाल्लाह यार टेस्ट एक नंबर था उसका। अब बस हम लोग एक राउंड और मारेंगे मार्केट का, मतलब बाइक पे मारेंगे। मुझे स्कॉर्पियो का पूछना है बस, वो अगर वो सामान मिला तो ठीक है, वरना लेके निकल जाएंगे। तो फाइनली घर पे पहुँच चुके हैं सेफली और आज दूसरा दिन है और मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ लाया हूँ और बड़े सस्ते में लाया हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ इसको सब बाइक में लगवाने के लिए, मेरी बाइक में। तो पहले मैं एंड कर देता हूँ वीडियो, फिर देखूँगा अगर वो लगाने वाला वीडियो भी सोच रहा हूँ बना लूँ तो सेकंड पार्ट में आपको दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ लिया। मेरे भाई ने तो सिंपली 220 है उसके पास, तो उसका पेट्रोल का ढक्कन लिया और किचन वगैरह लिया उसने, और अब टैंक पैड लिया है जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया। और मैंने बुलेट के लिए जो थोड़े मोटे छोटे मोटे आइटम लिया वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन पार्ट है, ये हमने जेन्युइन लिया। मेरा डिस्क पैड है पीछे का, सॉरी लाइनर है, और आगे डिस्क पैड लगता है, पीछे लाइनर लगता है क्लासिक का। ये मिला मुझे ओरिजिनल 350 रुपये का। और ये मैंने मेरे पीछे के फुटर से मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तो टूट गए थे, तो मैंने ये फैंसी वाले लिया इस बार, ब्लैक कलर में लिया। आगे के ओरिजिनल है, पीछे के मैं फैंसी वाले लगा के देखता हूँ। और ये मुझे 150 रुपये में ये मिली।